और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर। मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। हालांकि बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गया जानिमाजों को। हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठे। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गया जानिमाजों को, जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशा ही बनी बैठी है। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहाँ की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से, इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्वगुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की, इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करें, कितनों का अरेस्ट करें आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए, कोई तो आवाज़ उठाए ना। वो जो लोग, वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। आपने जो XPB कहा, महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से जो पिलग्रिमेज स्कीम की बात की गई है, उसको लेकर किस तरह के आप? तो ये 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 रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है क्या? नहीं, सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी, सब कर रही है, ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं, एक दरगाह, एक मस्जिद, अरे ये क्या है भाई? ये आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओथ लिए ना, तो आपको सबको बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते हैं वहाँ की सरकार? मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते वहाँ आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर TV चैनल पर आप लोग शुरू करते रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक इतने बुलडोजरों ने घर तोड़ दिए जाते अब तक। अब ये संभल में मेरे को मालूम हुआ कि ताजिया जो निकालते थे उसका हाइट कम कर दिए। क्यों कर रहे हैं भाई ये चीजें? आप संभल की रिपोर्ट है, उत्तर में संभल है, वहां से मेरे को मालूम हुआ। सर, जम्मू कश्मीर, the incident happened in Jammu Kashmir on that zone. JNK DGP RS Wen says Pakistan successfully infiltrated all important aspects of civil society thanks to so-called mainstream or regional political politics in the valley. There is ample evidence to show that many had owned the art of running with the hare and hunting with the horn. सुनिए, what the hell is that Mr. DGP doing over there? He should be ashamed of his this nonsensical statement which has issued.
You have imposed UAPA on the Kashmir Bar Council chairman. Today's attack in Doda, which is very far from LOC. How is it that they have entered so much into Doda? Who's responsible for this? He's trying to cover up his incapacity, his mistakes, his failure. Simple as that. This is very dangerous. We have recently held Lok Sabha elections and the polling percentage was very high. Everyone praised it. And now the DGP is saying something else. Are you trying to say that all these Lok Sabha elections are rigged? What is he trying to say? Since 20 years, Jammu has been free, but now since 2021, more than nearly 50 security personnel have been killed. 19 civilians have been killed. Recently, 10 pilgrims who went to a temple, they were assassinated by these terrorists. Where is your information network? Why are the locals not helping you? Why are you not taking the youth into confidence? Why is this government not talking about China? Why is this government not talking about sharing information? Mr. Ajay Bisara, in his book Anger Management, had said that information was exchanged. Based on that information, we were able to thwart Al-Qaeda terrorist act in Kashmir. Where is this loud talk of Narendra Modi? We have removed 370, everything is gone. No, it is not gone. This is the failure of Narendra Modi's government. And Mr. DGP should not become a spokesperson for the ruling party. If he intends, he should join BJP. What is your demand on Kolhapur incident, sir? People were seen on the mosque. People were seen on the mosque doing what? Why don't you ask? They were on the mosque trying to damage the masjid, trying to break the domes of the masjid. Those images reminded one of 6 December 1992. Inside the masjid, they went and they have burned the Quran Sharif. They have burned the Janimas. They have desecrated a religious place. Adjacent Muslim houses were looted. Money was taken. Jewelry was stolen. What is the police doing? What is this government doing? The Shinde Fadnavis government should take the responsibility because of their approach. They are emboldening such elements. And the most unfortunate part is that these opposition parties who talked about moral victory, they don't even have courage to even utter what has happened over there. That is why it is high time that Muslims of Maharashtra should take a political decision in the coming assembly elections and ensure that MIM party candidates win. Because these attacks are continuing and you don't even want to utter the word Muslim over there.